नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मोर्टिन को मैंने मॉडिफाई किया है और मोर्टिन को मैंने नाइट लैंप के लिए यूज किया है, यानी मोर्टिन को मॉडिफाई करके मैंने एज ए नाइट लैंप बनाया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से उजाला करती है, आप देख रहे हैं। ये रात के अंदर दोस्तों बहुत अच्छा उजाला, एक हल्की हल्की सी रोशनी करती है रूम के अंदर, जो आप सोते समय इसको जला सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाना बहुत सिंपल है। इसको देखने के लिए इसको कैसे बनाते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ। दोस्तों, इस तरह की आप पुरानी मोर्टिन की कोई भी किसी तरह की मशीन ले सकते हैं जो आपकी ख़राब हो चुकी हो। तो दोस्तों, मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, मेरे पास ये एक ऑल आउट की ख़राब मशीन है। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो स्क्रू होते हैं, स्क्रू को खोल के और हम दोस्तों इसको पूरा बाहर पूरा खोल लेंगे। हम इसमें जो भी आइटम होगा दोस्तों, इसका पूरा आइटम हम बाहर निकाल देंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर जो भी जितना भी आइटम इसके अंदर है, हम इसको पूरा बाहर निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से दोस्तों, हम इसके जो भी इसका पूरा आइटम है, हम इसको बाहर निकाल देंगे और निकाल के हम इसको साइड में रख देंगे। हमको इस कवर की ज़रूरत है और इसके अंदर जो ये वायर वाला एक सॉकेट वाला हिस्सा लगा रहता है, हमें इसकी ज़रूरत है। बाकी ये पूरा कबाड़ा हम बाहर फेंक देंगे निकाल के। तो दोस्तों, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये इस तरह की मोर्टिन की ऑल आउट की मशीन है। तो हमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम इसको इसके अंदर इस तरह से सेट करेंगे। इसके अंदर जिस तरह से ये सेट होता है, ये आप देख रहे हैं, इधर हम इसको लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको इधर से फेविक्विक से इसको चिपका देंगे, इसको चिपका देंगे जिससे ये हिले नहीं। उसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस तरह का एक इस तरह की 9 वाट की DOB लेंगे, या 7 वाट की भी आप ले सकते हैं DOB, और उसके अंदर जो AC के दो वायर होते हैं, जो आप देख रहे हैं इसके अंदर दो वायर हैं AC के, इन वायरों को इस छेद के अंदर से निकाल के हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे इस पे। सोल्डरिंग करने के बाद में दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस DOB को इस तरह से इसके तली में इसको इस तरह से इसके तली में हम इसको चिपका देंगे फेविक्विक से। चिपकाने के बाद में हम इसके वायरों को इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगा देंगे और हमारी नाइट लैंप बनके तैयार हो जाएगी। इस पे दोस्तों, आगे की तरफ ये खाली जगह बच गई। अभी इस पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मोटर बाइंडिंग की जो दुकान होती है, उधर से इस तरह की एक वाइट सीट लेके आनी है जो मोटर बाइंडिंग के काम में आती है, और इस सीट को हम दोस्तों इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, जिससे कि इसका उजाला भी अच्छा आएगा और ये एक शॉक प्रूफ भी बन जाएगी। यानी कि हमें इसमें से बिजली के अंदर उंगली लगने का, क्योंकि हम इस तरह से लगा रहे हैं, हमारी उंगली हो सकता है अंदर चले जाए, तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं।
तो दोस्तों इसको बनाना बहुत सिंपल है। आप इस तरह से किसी भी ख़राब मशीन से आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक 9 वाट का डीओ की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको दुकान से 10 रुपये का मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो और आपकी नाइट लैंप बनके रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।